नमः शिवाय। आश्विन मास अमावस्या तिथि सुबह 9:30 बजे तक लगी रहेगी, तत्पश्चात शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा हस्तिनी नक्षत्र में दिन में 12:10 तक चलते रहेंगे, तत्पश्चात चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। हस्तिनी नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी खुद चंद्रदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर उदार हृदय वाले, प्रसिद्धि पाने वाले, धर्म कर्म में निरत, दूसरों का उपकार करने वाले और आस्थावादी होते हैं। ऐसे जातक उद्यमी, कुशल कार्यकर्ता, सिद्धांत एवं वेदों के ज्ञाता, परिश्रम से उन्नति करने वाले, स्वाभिमानी और उच्चाभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा बुध, चंद्रमा और मंगल की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी पूरे दिन कन्या राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी बुध देव हैं। आज भी चंद्रमा के नक्षत्र का दोपहर तक प्रभाव मिलता रहेगा, तत्पश्चात मंगल के नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन कायम रहेगा, जिससे प्रत्येक जातकों पर चंद्रमा और मंगल के नक्षत्रों का मिला जुला प्रभाव पड़ता रहेगा। आज की तिथि अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो कि वर्ष भर में सिर्फ एक बार आती है, जो पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। आज की उदय तिथि अमावस्या की है, अतः पितृ विसर्जन के सारे कार्यक्रम आज ही संपन्न होंगे। जिन जातकों के अपने पूर्वजों के श्राद्ध कर्म बच गए हैं, जो नहीं कर पाए हैं, उन्हें आज के दिन अवश्य पूर्ण कर लेने चाहिए, अन्यथा ऐसा शुभ मुहूर्त पुनः एक वर्ष बाद ही मिल पाएगा। यदि श्राद्ध कर्म किसी भी कारणवश नहीं हो पाया हो तो जरूरतमंद या सुपात्र को श्रद्धा के साथ यथाशक्ति दान दक्षिणा दें, उन्हें भोजन कराएं और कोशिश करें कि आप उनकी एक अभिलाषा अपनी क्षमता के अनुसार पूर्ण कर सकें। साथ ही साथ पीपल के वृक्ष के नीचे एक गिलास गाय का दूध चढ़ाएं, अगरबत्ती जलाएं और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा अपनी प्रार्थना करते हुए करें, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और वर्ष पर्यंत सफल होने का आशीर्वाद देंगे। कल से आदिशक्ति माता जगदम्बा का पर्व शुरू हो रहा है, जिसमें श्रद्धालु 9 दिनों तक नवरात्रि की पूजा अर्चना प्रारंभ करते हैं। कल का विशेष मुहूर्त घट स्थापना का ऐसा होना चाहिए जिसमें निर्बाध गति से 9 दिनों तक पूजा अर्चना चलती रहे और किसी तरीके की बाधा न आने पाए। जिसके लिए अस्थाई लग्न की आवश्यकता होती है, जिसमें घट स्थापना का पहला मुहूर्त सिंह लग्न, जो कि प्रातःकाल 4:45 से प्रारंभ होगा और 7 बजे तक सुबह तक चलता रहेगा। दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त होगा, जिसका समय काल सुबह 11:30 बजे से लेकर 12:23 तक बना रहेगा। ये दोनों मुहूर्त ऐसे हैं जिसमें गौरी गणेश की स्थापना, घट कुंभ की स्थापना, नवग्रह की स्थापना और साथ ही साथ आदि शक्ति माता दुर्गा की स्थापना भी करनी चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्य क्षेत्र को विकसित करने वाला होगा, क्रियाशीलता और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, साझेदारी के काम लाभदायक रहेंगे और कार्य क्षेत्र के निरंतर विकास की मानसिकता बनी रहेगी। धन लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा, मगर मानसिक स्तर पर कमी, कभी कभार निर्णय लेने की क्षमता, उत्साह और रचनात्मक सक्रियता में उतार चढ़ाव के साथ ही मन में शंकालु प्रवृत्ति और धन हानि की आशंका भी बनी रहेगी। महत्वपूर्ण निर्णय सावधानी पूर्वक लेना चाहिए। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। वृष राशि के जातकों के लिए कार्य ऊर्जा में उचार चढ़ाव बना रहेगा, मानसिक रूप से उग्रता बनी रहेगी, निर्णय लेने में आक्रोश और जल्दबाजी संभावित है। आपके राशि स्वामी छठवें घर में बैठे हैं, स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए और आत्मविश्वास में कमी का संकेत भी मिलता है। हालांकि आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी, मगर पहले की चली आ रही योजनाएं प्रभावित नहीं होंगी। आपका कार्य सुचारू ढंग से चलता रहेगा, साझेदारी के लिए आज का समय उपयुक्त रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य है, शैक्षणिक कार्यों में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा।
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ मामलों में प्रतिकूल माहौल प्रस्तुत कर सकता है। मानसिक उत्तेजना, उचित निर्णय लेने में उतार चढ़ाव और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं संभावित हैं, मगर आर्थिक लाभ में सहयोग बना रहेगा और कार्य योजनाएं पूर्ववत चलती रहेंगे। संतान संबंधी मामलों में और आवश्यक संसाधनों के उद्देश्य से निवेश की स्थिति संभावित है, मगर आज का दिन कार्य ऊर्जा में ह्रास, आत्मविश्वास की कमी और भ्रमात्मक स्थिति के उतार चढ़ाव में सुधार के प्रति भी केंद्रित रहेगा। संतान संबंधी आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक सिद्ध होगा। शारीरिक ऊर्जा और सकारात्मक मानसिक स्थिति बनी रहेगी। इच्छा शक्ति आपके हर कामों को सरल और सुविधाजनक रूप से संपन्न करने के लिए सक्षम होंगे। घर गृहस्थी संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। बृहस्पति, बुध और शुक्र की युति के कारण कुछ मामलों में भ्रम, वैचारिक मतभेद, सही निर्णय लेने में गड़बड़ी और दोषारोपण की स्थिति संभावित है। संतान संबंधी मामलों में कुछ चिंता लगी रह सकती है और अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास जारी रखें। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर सावधानी अपेक्षित है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का समय आर्थिक दृष्टिकोण से सहयोगी और सकारात्मक रूप से अधिकतर मामलों में शुभ फलदायी होगा। महत्वपूर्ण कामों में आपके रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे और कार्य क्षेत्र में विकास की मानसिकता बनी रहेगी। साझेदारी के कामों में लाभ संभव है और नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव मिलते रहेंगे। आर्थिक लाभ के साथ खर्च की स्थिति भी बनी रहेगी और निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। सरकारी कामों में सहयोग मिलेगा और रुके हुए काम संपन्न होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। सफलता संभावित है, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। कन्या राशि के जातकों के लिए धन संबंधी अपेक्षाएं पूरी होंगी और आर्थिक लाभ का योग बनता है। मित्रों व सहयोगियों से भी लाभ संभव है। कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी और नए प्रस्ताव शामिल होंगे। साझेदारी सफल रहेगी। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। सहोदरों से वैचारिक मतभेद, धन हानि, दोषारोपण, मानसिक अस्थिरता का अंदेशा बनता है, मगर संतान संबंधी सहयोग जारी रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास जारी रखें और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। तुला राशि के जातकों के लिए निर्णय लेने में सावधानी के साथ नेतृत्व करने की प्रवृत्ति, संबंधित मामलों में वाद विवाद और अतिरिक्त कार्यभार का संकेत मिलता है। कार्य क्षेत्र के प्रति विकास की मानसिकता और नई कार्य योजनाओं में व्यस्तता बनी रहेगी। प्रस्तावों को लागू करना और उनका प्रबंधन सुचारू ढंग से होता रहेगा, मगर आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। पारिवारिक प्रेरणा और बड़ों का सहयोग कामों को सरल बनाएंगे और साझेदारी सफल रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी, मगर कार्य क्षमता का पूरा लाभ मिलेगा। आत्मविश्वास बना रहेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और साझेदारी सफल रहेगी, मगर कुछ मामलों में आज का समय नकारात्मक विचारों को जन्म देने वाला होगा। अनचाही यात्रा की संभावना भी बनती है और निर्णय लेने की क्षमता में उतार चढ़ाव का संकेत मिलता है। अमावस्या के प्रभाव से चल रहे कुछ कामों में अवरोध की संभावना भी बनती है और संतान संबंधी मामलों में चिंता का माहौल बना रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा, मगर मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए आय संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा और परिश्रम के साथ कार्य क्षेत्र में लगे रहेंगे। नई योजनाओं के लाभकारी प्रस्ताव सामने आएंगे, यथासंभव आप उनको लागू करते जाएंगे। आय संबंधी मामलों में महिला वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, मगर कुछ मामलों में विचारों में अचानक परिवर्तन का दौर संभावित है। निर्णय लेने की क्षमता में सुधार और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। संतान संबंधी अनुकूलता मिलेगी। वैवाहिक प्रस्ताव सफल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए।
मकर राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के विकास और सुचारू ढंग से चलाते रहने की प्रवृत्ति बनी रहेगी और किसी समारोह में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। आय संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा। निजी निवेश के लिए समय अनुकूल है। साझेदारी के कामों में सफलता संभावित है, मगर कुछ मामलों में आज का समय कार्य क्षेत्र में अचानक उपलब्धि या सफलता का संकेत देता है। साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा और आपका आत्मविश्वास आने वाली समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता की उम्मीद बनती है। वाद विवाद से परहेज करें और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कुंभ राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा और रुके हुए काम संपन्न होंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। नई कार्य योजनाओं में लाभदायक स्थिति बनी रहेगी। निजी निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा, मगर कुछ मामलों में आज का समय भ्रमात्मक स्थिति को जन्म देगा। उत्साह में कमी और कामों में रुकावट का संकेत भी मिलता है। विरोधियों से साजिश की संभावना भी बनती है। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सफलता संभावित है, प्रयास जारी रखें। विवादित मामलों से दूर रहें और वाहन सावधानी से चलाएं। मीन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं, मानसिक अस्थिरता, मन में नकारात्मक विचारों का पैदा होना और कार्य क्षेत्र में रुकावट का संकेत देता है। कार्य ऊर्जा में कमी और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव लगा रहेगा। हालांकि आय संबंधी मामले और निजी निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय भविष्य के लिए टाल दें। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखें और मानसिक शांति के लिए परिस्थितियों पर ध्यान दें। संतान संबंधी मामलों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा और अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। अधिक जोखिम वाले कामों से बचें और वाहन सावधानी से चलाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।